नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन की स्थिति में अगर आपने भी टिकट बुक की थी अपने घर जाने के लिए, लेकिन किसी कारण की वजह से अपने घर नहीं जा पाए हैं और आपकी ट्रेन है जो मिस हो चुकी है, तो दोस्तों आपने जो टिकट बुक की थी उसके पैसे वापस कैसे किए जाएंगे और साथ में कितने पैसे मिलेंगे और कितने समय के बीच में हम अपनी टिकट कैंसिल करवा के अपना पैसा है जो वापस ले सकते हैं, तो दोस्तों सभी बातें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे मजदूर और राज्यों में है जो फंस चुके हैं, और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने श्रीमक स्पेशल ट्रेन है जो चलाई है। तो दोस्तों, इस ट्रेन को अगर आपने भी बुक किया था लेकिन किसी कारण की वजह से आप इस ट्रेन में नहीं जा पाए हैं, तो दोस्तों अभी आप अगर अपनी उस बुक की गई ट्रेन की टिकट को कैंसिल करना चाहती हैं तो दोस्तों आपको बता दूँ, ट्रेन छूटने के 24 घंटों के बीच में आपने अपनी टिकट को कैंसिल है जो करना है। तो आप सभी को पता ही होगा, जिस समय आपने irctc.co.in की वेबसाइट पर जाकर ट्रेन की टिकट को बुक किया था, वहीं पर आपको ट्रेन टिकट कैंसिल करने का ऑप्शन है जो मिल जाएगा। 24 घंटे के बीच में आपने अपनी ट्रेन की टिकट को कैंसिल करना है। ऐसा करने से आपको 50% है जो आपके पैसे है जो आपको वापस मिल जाएंगे। ट्रेन की टिकट कैंसिल करने के लिए आप irctc नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की हेल्प से भी आप अपनी ट्रेन की टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप irctc.co.in वेबसाइट सर्च करने के बाद भी अपनी ट्रेन की टिकट को कैंसिल है जो कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप सभी को पता चल गया होगा ट्रेन की टिकट कैंसिल करने का क्या प्रोसेस है और कितने पैसे हमको वापस है जो मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे की आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।